नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और Trooper.com पर आप देख रहे हैं बिजनेस और एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। भारतीय कैंसर सोसाइटी का अनुमान है कि भारत में हर साल लगभग 50,000 बच्चे कैंसर ग्रस्त होते हैं और इसके ऑपरेशन का खर्चा भी अधिक होता है, जो जुटाना मध्यम वर्गीय के लिए मुश्किल का काम है। एशिया का सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग मंच मिलाप मेडिकल कागजातों और पारिवारिक विवरणों के साथ एक फंड रेजर की स्थापना करती है। मिलाप के CEO और सह संस्थापक मयूर चौधरी कहते हैं कि क्राउड फंडिंग किसी दोस्त की तरह सामने आता है, जो कठिन समय में मुश्किल संवाद स्थापित करता है, दुनिया के सामने समस्या रखता है और वित्तीय सहायताएं भी जुटाता है, जिससे कि वित्तीय सहायता मांगने और पाने में सहूलियत होती है। हमें शहर के अधिक से अधिक अस्पतालों के साथ काम करने का इरादा रखते हैं, ताकि उन जरूरतमंद लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त की जा सके, जिन्हें इसके लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। ऑनलाइन फंड रेजर स्थापित करने की प्रक्रिया में 5 मिनट से भी कम का समय लगता है और इसलिए किसी बड़े तकनीकी ज्ञान की भी जरूरत नहीं होती। कैंपेन के लिए व्हाट्सएप अन्य त्वरित मैसेजिंग ऐप की मदद ली जाती है, वह भी बिना किसी टाइपिंग के। बस भारत की 8 भाषाओं में अपनी कहानी को रिकॉर्ड करना होता है। मिलाप ने अब तक संपूर्ण भारत से ऐसे उद्देश्यों के लिए 570 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिनमें 80% से अधिक राशि चिकित्सा और उससे जुड़े मामलों के लिए थे। सोनी सब के भाकरवाड़ी के अभिषेक उर्फ अक्षय केलकर बहुत ही फिट नजर आते हैं और आए भी क्यों ना, वो अपनी फिटनेस का इतना ख्याल जो रखते हैं। अक्षय कहते हैं कि मेरे लिए फिटनेस का मतलब शरीर और दिमाग का सही संतुलन है। केवल आपको अच्छी कदकाठी ही नहीं चाहिए, बल्कि चाहिए एक तंदुरुस्त दिमाग भी। आप पूरे दिन कितने एक्टिव हैं, ये भी बहुत महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि फिटनेस के लिए मैं शरीर के साथ साथ अपने मन को भी खुश रखता हूँ, गाने सुनता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ। एक स्वस्थ जीवन जीने में सेहतमंद संतुलित भोजन के साथ अच्छी नींद भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। सोना जरूरी है और फिर कई बार भाकरवाड़ी के सेट पर भी पावर नैप का मौका मिलने पर उसे गंवाता नहीं हूँ। इसके अलावा मैं मौसमी फलों को अपने खाने में शामिल करता हूँ और ब्रेड खाने से बचता हूँ। सोनी सबके शो जीजा जी छत पर है मैं लोग रहस्यमय रूप से गायब हो रहे हैं, इस बात से अनजान इलायची यानी कि हिबा नवाब ने अब पंचम को उनके लिए के सीने पर अपना नाम हमेशा के लिए लिखवाने के लिए मना लिया है। वहीं दूसरी ओर मुरारी और करुणा सुइयों को लेकर जब करुणा मुरारी का मजाक उड़ाती है तो मुरारी भी तैयार हो गया और एक चैलेंज के रूप में लेकर टैटू गुदवाने के लिए एक टैटू स्टूडियो भी चला जाता है। मुरारी का रोल कर रहे अनूप उपाध्याय लगभग बहरे कलाकार से टैटू बनवाने जाते हैं, इसकी वजह से करुणा के नाम की स्पेलिंग ही गलत हो जाती है। मुरारी इस गलती को छुपाने के लिए खुद को कवर करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच शहर में एक अफवाह फैल गई है कि पागल खाने से एक पागल भाग गया है और चांदनी चौक की सड़कों पर भटक रहा है। ये पूरा ट्रैक हंगामे और मस्ती से भरपूर होगा। भाई जीजा जी का हर एपिसोड अपने आप में कमाल का ही होता है, तो इस बार फन का डबल डोज लेकर आ रहे हैं जीजा जी छत पर। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हर खबर के पीछे की हकीकत के लिए बने रहिए Trooper.com पर।